हेलो एवरीवन, दिस इज योर करण एंड वेलकम बैक टू अनदर सीरीज ऑफ R15 वर्जन 4 सर्विस। ठीक है, तो चौथी वीडियो शायद आपने कल जो देखी थी, मतलब इसकी पहले वाली, भाई इस पे चेन स्पॉकेट लगा था MT15 की, ब्रास चेन स्पॉकेट, कंप्लीट फिटिंग एट होम। और उसके बाद देखी थी भाई बेयरिंग ग्रीसिंग वाली वीडियो। तो ये हमारी पता नहीं शायद 5th की 6th वीडियो, हमको जो समझ में नहीं आ रही है। हाँ, तो भाई ब्रेक ऑयल का काम करने के पहले एक बार इसका डिस्क पैड जो नया आया था, डिस्क पैड भाई चेंज कर लिया जाए। ठीक है, तो आपको दिखाया था डिस्क पैड ख़त्म हो गया, अब खाली इसका लोहा बचा हुआ है ना, तो डिस्क पैड जो है चेंज कर लेते हैं इसका। तो यहाँ देखो भाई, डिस्क पैड पूरी ख़त्म, आपको पहले बताया था, बस लोहा बचा हुआ है इस साइड का ना। तो डिस्क पैड को निकाल लेते हैं, यहाँ पे दो साइड इसका पिन है, पिन को निकाल देते हैं बाहर, फिर इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं, है ना। यहाँ देख लो डिस्क पैड भाई, लोहा आ गया था यहाँ पे, ये देखो घिस के भाई डिस्प्लेट घिसना चालू हो गया था इसका। अच्छा हुआ टाइम पे देख लिया, टूट गया, देखो पैड पूरे निकल गया। पता नहीं क्या ब्रांड का था, कुछ लिखा नहीं है, ना नंबर दिख रहा है ना कुछ है, यामा कुछ अपना होगा। तो यहाँ देखो दूसरा बैक पैड लाया हूँ भाई, यामा का ओरिजिनल है, वाइब्रे का, इसको फाड़ देते हैं भाई। ये रहा आपका वाइब्रे का डिस्क पैड, ठीक है, यहाँ पार्ट नंबर लिखा हुआ है, देख लो अभी यही लगा लेना। और थोड़ा कैलिपर को क्लीन कर देते हैं, ठीक है। पिस्टन एक बाहर निकला हुआ, इसको अंदर करके और इसके पिन में डालते हैं, थोड़ा सा सिलिकॉन ग्रीस है अपने पास, ट्यूब में सिलिकॉन ग्रीस है, तो इसको लगाते हैं, क्लीन करके फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ देख लो भाई, पिन में लगा दिया सिलिकॉन ग्रीस, ये देखो यहाँ पिन में आपको दिख रहा होगा, ठीक है, सिलिकॉन ग्रीस, अंदर भी थोड़ा डाल देते हैं, इसको साफ करके भाई पहले पिन लगा लेते हैं फिर डिस्क पैड। यहाँ लग गया नया ब्रेक पैड, चेक करो, ये देखो भाई न्यू ब्रेक पैड यहाँ लग गया, सिलिकॉन ग्रीस लग गया, ये देखो पिन भी है, मस्त हिल रहा है एकदम। और ये रहे पुराने वाले, अब वापस से इसके बोल्ट में थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, ये देखो ऐसे करके, और ये थोड़ा सा फ्री हो जाएगा, नहीं फंसेगा, नहीं होगी, फंस रहा था खोलने के समय। तो इसको लगा के वापस से कैलिपर को बैठा देते हैं भाई, ठीक है। तो ये वाली जो है 6th वीडियो जो होने वाली है ब्रेक पे, ब्रेक ऑयल, ठीक है। ये देखो भाई अपने पास यहाँ हो गया मोटोल का ब्रेक ऑयल .3 एंड .4 ब्रेक फ्लूड, ये आपका 500 ml का बॉटल है, 405 रुपये प्राइस है इसकी। तो ये सेम ऑयल जो है मैंने अपने V3 पे चेंज किया था, उसकी भी एक सीरीज आई थी वीडियो भाई, R15 मेरी V3 की ब्लू वाली, तो बहुत लोगों ने देखा है, प्यार भी दिया, और नहीं देखा तो भाई चैनल में चेक करो। जस्ट एक साल पहले ही वो काम किया था, लास्ट ईयर 2021 पे किया था उसको, वही जुलाई अगस्त के आसपास। तो अभी जो है ये हमारी 6th वाली पार्ट है, इसकी पहली वाली आपने बेयरिंग ग्रीसिंग देखी थी, उसके पहले चौथा मैं आपका चेन स्पॉकेट देखा था, 3rd नंबर देखा था कूलेंट का, रेडिएटर क्लीनिंग का, 2nd पे था आपका इंजन ऑयल वगैरह, थ्रॉटल बॉडी इंजेक्टर क्लीनिंग हुई थी, और 1st में था आपका ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल वगैरह। तो अभी जो है सारा काम कंप्लीट हो गया, तो ये लास्ट है ये वीडियो, ये 6th नंबर ये लास्ट वीडियो है आपकी जो ब्रेक ऑयल की होने वाली है, उसके बाद जो है सर्विस जो हो गई है कंप्लीट। हो सकता है इसके बाद एक और वीडियो जो 7th नंबर रहेगी, 7th नंबर पार्ट में आपका क्लच ग्रीसिंग, ठीक है, ये गियर लीवर, ये गियर लीवर ग्रीसिंग होगी, फ्रंट की ब्रेक लीवर ग्रीसिंग, एंड उस साइड की जो ब्रेक लीवर है आपकी रियर वाली, ये सब ग्रीसिंग आपको शायद इसका नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं आप, तो वो शायद 7th नंबर होगी। तो 7 वीडियोस निकली है भाई इसकी सर्विस की सीरीज़ पे, सोच लो भाई ये वेब सीरीज़ हो गई एक तरह की। वीडियो मेरी बहुत लंबी है भाई, 20 मिनट्स के ऊपर ही वीडियो जाती है मेरी कोई भी सर्विस की वीडियो, क्योंकि सब चीज़ जेन्युइन दिखाता हूँ और सब काम होता है इस पे। और हो सकता है 7th नंबर वीडियो बनेगी, क्योंकि ग्रीसिंग करनी है वीडियो तो बनेगी, क्योंकि ग्रीसिंग होने वाली है। तो अभी जो होगा ब्रेक ऑयल का काम होगा, तो ब्रेक ऑयल जो है चेंज होने वाली है। यहाँ पर एक मन में आपका क्वेश्चन उठ रहा होगा कि भाई बाइक में 1.5 साल ही हुए हैं, क्योंकि 2021 सितंबर की बाइक है, तो ये सोच लो कि 1 साल 4 महीने 5वां महीना बाइक के हो रहे हैं, 1.5 साल ले लो, तो 1.5 साल में जो है ब्रेक ऑयल क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि एज अ
शेड्यूल यामाहा ने दिया है कि 2 साल में ब्रेक वाले एक बार चेंज करना है, तो उनके शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे तो भाई हो गया। फिर ब्रेक ऑयल अंदर जो ब्लैक वाला जो दिया है वो पूरा काला हो गया, क्योंकि आपको यहाँ से दिखा देते हैं, देखो यहाँ से विजिबल भी नहीं हो रहा है ब्रेक ऑयल, ठीक है। तो एक मिनट आपको रख के दिखा देते हैं, तो यहाँ चेक कर लो तो ब्रेक ऑयल जो है पूरा ब्लैक हो चुका है, ठीक है, अंदर से कोई विजिबल नहीं है अंदर पे, ये देखो। वैसे यामा की जो ओरिजिनल ब्रेक ऑयल है ना वो थोड़ी सी येलो इस टाइप में डार्क येलो है। तो होता क्या है, ब्रेक ऑयल चेंज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस पे है ABS, ठीक है। तो टैंक के नीचे यहाँ देखो लगी हुई है ABS की मोटर है जो यहाँ पे अंदर पे है, तो ABS के मोटर वो पंप जो है वो बैक प्रेशर जनरेट करता है, तो जो पंप घूम रहा है ऑयल के साथ ही घूम रहा है, तो जो चीज़ घूम रहा है तो उस पर एक छोटा सा आपका, तो वो पंप के अंदर पे एक सेंट्रीफ्यूगल पंप बोलते हैं जिसको, छोटी सी गरारे रहती है वो सेंट्रीफ्यूगल पंप जिसको बोलते हैं, अब सर्च कर लेना नेट पे, तो वो जो बैक प्रेशर देके फिर आपकी जो लीवर है उसको बैक मारता है। जब ABS काम करना स्टार्ट होता है ना, जब स्किट होती है तो वो बैक मारता है, तो उसमें क्या है ऑयल की सर्कुलेशन जो है आपको बैक आती है आपके मास्टर सिलेंडर पे। ये सेम चीज़ बैक पीछे वाले ब्रेक के साथ भी होता है, आप जब ज़ोर से ब्रेक प्रेस करते हो ऑयल जाता है ABS के मोटर पे, फिर वो सेंस करता है सेंसर से, तो क्या करता है अगर चक्का आपका स्कीड होने लग गया तो वो सेंस कर लेगा, तो फिर क्या है बैक प्रेशर जनरेट करता है आपका पंप, और फिर आपके लीवर को जो है बैक मारता है ताकि आप ज़ोर से प्रेस ना कर सको। तो यही है कि ऑयल यहाँ पे जो है वेयर एंड टीयर अंदर जो पंप का होता है, तो वेयर एंड टीयर जो है वो आपका सर्कुलेट होते रहता है ऑयल में, तो यही रीज़न से देख लो यहाँ पर भी ऑयल थोड़ा डार्क हो रखा है, ठीक है। तो जब मैं जो मोटुल का ऑयल डालूंगा ना तब देखना वो पूरा येल्लो हो जाएगा, क्योंकि ऑयल जो है पूरा हटा क्लीन करके, क्योंकि यहाँ से लाइन बहुत लंबी होती है, ठीक है, यहाँ से ऑयल जा रहा है आपका मास्टर सिलेंडर पे, मास्टर सिलेंडर पे आपका होता है ऑयल सील होती है, एक प्रेशर का ऑयल सील होती है एक बाहर में, ताकि ऑयल ना फेंक दे बाहर से, वहाँ के 2 ऑयल सील होती है। फिर यहाँ से देखो होस पाइप जा रहा अंदर, अंदर लाइन है भैया, यहाँ पे पंप है टैंक के नीचे, फिर वहाँ से एक लाइन रिटर्न हो के आ रही है, देखो वो बोली सेकंड लाइन, फिर जा रही है कैलिपर पे, तो इतनी लंबी लाइन है, तो यहाँ पे जो है ऑयल की सर्कुलेशन होती रहती है। तो जो 1-1.5 साल के अंदर पे आपका थोड़ा बहुत वेरेंटी है जो ऑयल का कलर चेंज होता है, इस तरह एग्जांपल इंजन का देख लो, इंजन में ऑयल डालते हैं तो ड्रेन करते कैसे ब्लैक निकलता है, क्योंकि अंदर में जो है क्रैंक शाफ्ट चल रहा, मोटर चल रही, गियर चल रही है, क्लच चल रहा, सब चल रहा, तो वो ब्लैक हो जाता है। यही इसका भी है, लेकिन इस पर ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अभी जो है मेजर सर्विस हो गई है तो सोचा क्यों ना ब्रेक का काम भी कर लिया जाए, क्योंकि ब्रेक को स्किप नहीं करना, ब्रेक जो है एक मेजर रोल प्ले करता है भाई आपकी बाइक की परफॉर्मेंस पे। अगर आपने बाइक की परफॉर्मेंस इंक्रीज़ की है, कंप्लीट इंजन ऑयल चेंज हुआ है, कूलेंट वगैरह हुआ है, चेंज पॉकेट लगी है, तो भाई सिंपली है कि बाइक की परफॉर्मेंस भी इंक्रीज़ होगी, तो उसके लिए परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी, पिकअप बढ़ेगी, स्पीड होगी, तो ऐसा ब्रेकिंग भी आपको चाहिए, क्योंकि डिस्क पैड भी आगे का नया लग गया कल, तो आपने वो वीडियो पर देखा ही था, ठीक है। तो जो है डिस्क पैड भी चेंज कर दिया है साथ साथ पे, और ब्रेक वाला भी चेंज करना है। सिंपली क्या करेंगे, कैप खोलना है ऊपर का, ऊपर 2 स्क्रू है, और यहाँ पे कैलिपर पे ये देख लो भाई, ये है इसका ब्लीडिंग स्क्रू, या फिर एयर निकालने वाला, कुछ भी बोलो जो आप लैंग्वेज बोलते हो, ब्लीडिंग स्क्रू है। तो इसको लूज़ करेंगे, अंदर से सारा ऑयल ड्रेन कर देंगे, उसके बाद नया ऑयल जो अपना मोटुल का वहाँ पे रखा हुआ है आप चेक कर लो, ठीक है, तो वो मोटुल का जो ऑयल है वो डाला जाएगा। तो इसको खोल के आपको ऑयल का क्या कंडीशन है आपको चेक कराते हैं, तो उसको खोलते हैं। तो ये कैप खोलने के पहले ये ले लिया मैंने रैचेट, और यहाँ पे इसका स्क्रू ड्राइवर का सॉकेट जो इस पर मैच करता है ना, ठीक है, ये होल पे, मतलब जो स्टार वाला होल बना हुआ है वही इस पर लगाने, तो ये अगर स्लिप कर गया तो फिर आपको खोलना मुश्किल हो जाएगा। तो एग्जैक्ट जो इस पर बैठ रहा है, देखो थोड़ा भी क्लियरेंस नहीं है, तो इस टाइप लगा के इसको जो लूज़ कर लेना है, ठीक है, ये देखो आराम से लूज़ हो गया, तो यहाँ पे जो है ये लूज़ हो गया, इसको भी नहीं खोला, नहीं तो ऑयल जो है देखो ऐसे बाहर फेंक देगा। ऑयल प्रेशर रहता है ना इसमें, क्योंकि न्यू डिस्पैट लगा है तो बैक आ गया, तुरंत से क्लीन कर दे, नहीं तो भाई इससे आपका पेंट टूट सकता है, तो उसको कपड़े से तुरंत क्लीन करना पड़ेगा। यही झमेला है इसका, ब्रेक ऑयल जो है इस पर एसिडिक रहता है और ये आपका पेंट नुकसान कर देगा, तो हमेशा नीचे कुछ बिछा ले। तो मैं कुछ अभी यहाँ कपड़ा डाल लेता हूँ इसको, ताकि भाई ब्रेक ऑयल गिरे नहीं, नहीं तो ख़राब हो जाएगी सारी पेंट। ये हो गया, ठीक है, और अभी जो है हैंडल को सीधा कर लेना पूरा, जितना आप सीधा कर सकते हो हैंडल को सीधा कर लें। ये हो गया सीधा, लेफ्ट साइड पूरा बेंड करने से सीधा हो जाएगा ये पूरा, ठीक है,
और यहाँ पे धीरे धीरे स्क्रू खोल देते हैं। और नीचे का भी यहाँ पे मैंने लूज़ कर दिया है, तो यहाँ पाइप लगा के मैं इसको लगा देता हूँ एक बॉटल पे, ताकि जो ऑयल सारा जो ड्रेन होकर निकल, देखो यहाँ लूज़ कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ऑयल निकल रहा है, तो मैंने ये बीकर पे ले लिया, ठीक है। तो यहीं पे ऑयल जो गिरेगा इस पर रहेगा। थोड़ा सा हाइट कर दिया मैंने, पत्थर रख दिया नीचे दो, ताकि थोड़ा हाइट पर रहे और पाइप जो है इसके अंदर ही रहे, बीकर के अंदर बाहर नहीं गिरे ऑयल, नहीं तो अलग अगर मैं टच हो गया तेल थोड़ा सा भी सारा पेंट टूट जाता है, क्योंकि ये जो ब्रेक ऑयल है भाई पेंट उड़ा देता तुरंत। तो अभी जो ऊपर का कैप खोल लेते हैं, धीरे धीरे खुल जाएगा ये। तो यहाँ स्क्रू खोल दिए और यहाँ से कैप निकाल लेते हैं इसका। सारा ऑयल जो है खींच रहा है धीरे धीरे। ये देखो भाई अंदर ऑयल पूरा ब्लैक है, आपको पहले ही बोला था, देख लो भाई अंदर ऑयल का क्या कंडीशन है, ठीक है। ऑयल ट्रांसपेरेंट होती है, यहाँ पूरा ब्लैक निकला हुआ है और ऑयल का लेवल भी कम था। देखो ये वैक्यूम वाला रबड़ रहता है, सील रहता है, ये भी खींच लिया देखो अपने तरफ पे, ठीक है। ये खिंचाया हुआ है क्योंकि ये ऐसा रहता है, इस टाइप से रहता है, ठीक है, समझ गया ना, ये ऐसा हुआ हुआ था। तो इसको सेट करते क्योंकि ये सारा क्लीन होगा, अभी क्लीन होने के बाद ही लगेगा अब। तो यहाँ पे नीचे ऑयल जो है निकलने देते हैं, सारा पहले ड्रेन कर लेते हैं। देख लो भाई अंदर ऑयल कैसा है, पूरा ब्लैक येलो है पर, लेकिन थोड़ा सा ब्लैक हो गया, डार्क हो गया। बस यही रीज़न से जो है ऑयल चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि देखो जैसे जैसे ऑयल खाली हो रहा है जब अंदर का ग्लास नज़र आ रहा है, तो ऑयल ऐसा होना चाहिए कि अंदर से नज़र आए कि हाँ ऑयल है, तो डार्क हो गया, ये रीज़न से जो है ऑयल को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पंप करके सारा तेल खाली कर देंगे। हाँ देख लो ब्रेक ऑयल जो है सारा यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। देखो प्रेस कर रहा हूँ, ये ले लिया एयर, यहाँ निकल गया सारा ऑयल, ठीक है। तो अभी जो है थोड़ा सा छोटा सा कपड़ा ले लो, अंदर पे क्लीन करना है, ताकि साइड साइड तो थोड़ा सा डस्ट जम जाता ना वो निकल जाएगा। ये एक पिन रहता है छोटा सा, ठीक है, कैसे दिखाऊं अभी, ये देखो ये एक छोटा सा पिन रहता है, ताकि ऑयल जो है जब प्रेशर बनता है तो ऑयल बैक मारता है, बैक प्रेशर होता है, तो ये बैक प्रेशर को रोकता है, ताकि आपको जो है यहाँ पे छीटा पड़ता है ना ऑयल का बैक मारता है, तो यहाँ से तेल उड़ता है, वही चीज़ इसको रोकने के लिए ये है। यहाँ पे एक कपड़ा डाल करके छोटा टेस्टर से, और अंदर जो है पूरा क्लीन करना है। सारा डस्ट जो है अंदर से निकल जाएगा, ग्लास है, ग्लास पे भी थोड़ा सा, ये देखो ये हो गया अंदर का क्लीन, ठीक है। ये देखो अंदर पूरा क्लीन हो गया, साइड में अंदर कोना कोना हल्का डस्ट दिख रहा होगा आपको, वो तो निकलने से रहा क्योंकि वो ऑयल से ही निकलेगा, ऑयल से सर्कुलेट होगा अंदर पे। बस वही चीज़ आपको छोटा सा डस्ट जो साइड में कोना में डिपोजिट दिख रहा ना, ये देखो ये डिपोजिट है जो कोना पे, यहाँ पे अंदर पे ये डिपॉजिट जो है अंदर पूरा पाइप में हर जगह हो जाती है, इस ये रीज़न से जो है मैं ऑयल चेंज करवा रहा हूँ। तो ये मत देखो भाई यामाहा ने शेड्यूल दिया है 2 साल में ऑयल चेंज करो, 1 साल में करो, कितने किलोमीटर में करो, आपको देखना खुद से कि आपकी बाइक कितनी रनिंग हो रही है, आपको कितना ज़रूरत है, कितना चल गया टाइम से पहले, अगर चल गई है तो आप ऑयल चेंज कर लो, ब्रेक की परफॉर्मेंस भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो है पार्टिकल्स जो अंदर जमा रहता है वो भी निकल जाएगा, एंड लाइफ बढ़ जाएगी ये सब पार्ट्स की। ये जो मास्टर सिलेंडर रहता है इसके अंदर पे, इसके अंदर की जो किट रहती है ना रबर की, अंदर ऑयल सील रहता है, मास्टर सिलेंडर बकेट किट जिसको बोलते हैं, इसकी लाइफ बढ़ जाएगी, और पिस्टन की जो ऑयल सील है इसकी लाइफ बढ़ जाएगी। ब्रेक ऑयल चेंज करने का मतलब है कि आपकी जो पार्ट्स अंदर पिस्टन है, पिस्टन का ऑयल सील है, इसकी लाइफ को इंक्रीज़ करना। तो जो 2 साल चलते हैं वो 5 साल चलेगा, ये रीज़न से थोड़ा सा ऑयल डाल लोगे, चेंज कर लोगे, तो सारा चीज़ जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है
क्लीनिंग हो गया, ये कपड़े को भाई फेंक देते क्योंकि ये पूरा ऑयल लगा हुआ है इस पर, कहीं पेंट पे लग गया तो भाई पूरा दिक्कत कर देगा। ये देखो क्लीनिंग बहुत बढ़िया से हो गई है, तो अभी डालते हैं मोटुल का ऑयल और फिर पंप करते हैं इसको। ये रही आपकी मोटुल की ऑयल, ब्रेक फ्लूड, भाई इसका सील खोल लिया, यहाँ पे एक छोटा सा होल किया है काली टेस्टर से ताकि जितना ऑयल निकलना है उतना ही निकलेगा, जब ज़्यादा गिर जाएगा दिक्कत हो जाएगी। टेस्टर का छोटा सा होल करना है जितना इसका फेस है, और अभी जो है इसको डालना स्टार्ट करते हैं, देखते हैं भाई ऑयल कैसा है। तो यहाँ देखो ऑयल है आपका लाइट येलो, ठीक है, तो यहाँ चेकआउट कर लो, बस हल्का हल्का ऑयल और अब पंप करना स्टार्ट करेंगे इसको। तो ऑयल में ढक्कन लगा रख देते हैं, ये तो गिर गया तो सारा ऑयल जो है वेस्ट हो जाएगा भाई, 450 रुपये का ऑयल है, ठीक है। तो यहाँ रख दिया है, अभी इसको पंप होने देते हैं, इतना गंदा तेल है जो है निकल गया इस पर, देख लो ये ऑयल का कलर देखो कैसा है, पूरा डार्क और अंदर ऐसा लग रहा है कि पानी गया होगा अंदर में, ठीक है, कलर पूरा चेंज है इसका। यहाँ इसको पंप करते हैं, तो अभी मैंने क्या किया, ये जो डब्बा जिस पे ऑयल मैंने जमा कर रहा था इसको मैंने क्लीन करके दूसरे डब्बे पे डाल दिया, इस पे ट्रांसफ़र कर लिया, ठीक है। ये देखो अंडर डाल लिया, पुराना ब्रेक का ऑयल का डब्बा था, आपको सब दिखा रहा हूँ कि अभी ऐसे ही करना, क्योंकि अभी क्या ऑयल सर्कुलेशन करना पड़ेगा, ऑयल बर्बाद नहीं करनी है। ये बॉक्स अभी डब्बा वगैरह को मैं क्लीन कर लेता हूँ कपड़े से, और अब जो है देखो क्लीन ऑयल आ रहा है, जो मोटर का तेल डाला वो ऑयल आना स्टार्ट हो गया है। तो ये ऑयल को जो है इस पर लेंगे फिर यहाँ सर्कुलेट करेंगे इस पर, ठीक है। तो सर्कुलेट करना है ऑयल, अभी ऑयल वेस्ट नहीं होगा, यहाँ से ऑयल निकलते जाएगा पाइप से, फिर यहाँ डब्बे पे लेंगे, डब्बे से फिर इस पे डालेंगे। तो सर्कुलेट करना है ताकि सर्कुलेट करते रहेंगे तो जितना अंदर से एयर बबल्स है एयर बबल सारा बाहर आ जाएगा। देखो धीरे धीरे यहाँ से एयर भी निकल रहा है, ठीक है। तो ये डब्बे को क्लीन करके लगाते हैं और फिर ऑयल को सर्कुलेट करना स्टार्ट। तो याद रखें अंदर जो पिन लगाना था, देखो अंदर पे वो लगा दिया, और अभी जो है देखो ये मस्ट सिलेंडर मेरा टाइट हो गया पूरा हाथ से, मतलब एयर निकल रहा है, और अभी इस पर देखो ऑयल आना चालू हो गया। अभी ये ऑयल को रीसर्कुलेट करेंगे, ठीक है, फिर से डालेंगे इस पर, वैसे 2-3 बार ऐसे घुमाना है इसको, ठीक है, ताकि अंदर से एयर बबल्स भी निकल जाए और आपका ब्रेक का जो है क्लीनिंग भी अंदर का हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है इसको लेकर के इस पर डालते हैं, यार इस पाइप को ऊपर कर देते हैं कहीं, नहीं तो यार सारा ऑयल गिर जाएगा तो हो जाएगी दिक्कत। ये ऑयल को डाल देना वापस, बस यही रीज़न से जो मैंने बीकर रखा हुआ था, ताकि ऑयल जो सर्कुलेट करेंगे। ये हो गया, ऐसे करके 2-3 बार सर्कुलेट कर दें, और ये करके फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ब्रेक का रीसर्कुलेशन कंप्लीट हो गया, देखो ऑयल डाला ऐसे ट्रांसपेरेंट होता है ऑयल, जो मैंने निकाला था यामा का ऑरेंजल देख कैसे डार्क था, ये हो गया येल्लो, यहाँ ग्लास से भी आपको दिख रहा होगा अंदर, ठीक है। ये हो गया मोटुल कॉइल, ठीक है, ये देखो पूरा हो गया टाइट। नीचे मैंने पाइप निकाल दिया जो लगाया था, ये देखो ये पाइप निकाल दिया 11 mm का रेंज से, ये टाइट कर दिया वापस से, इसका एयर ब्लीड स्क्रू जिसको बोलते हैं, टाइट कर दिया इसको, और ये देखो ब्रेक अपना इतना होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया टाइट, कंप्लीट एयर निकल गया और ब्रेक की परफॉर्मेंस अभी हो जाएगी बेटर। और अभी जो इसका कैप है, ये कैप इसका क्लीन करके कपड़े से और वापस से लगा के टाइट कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा ऑयल नहीं भरना है, इतना ही ठीक है, क्योंकि कल को जब आप फिर से ब्रेक पैड चेंज करोगे तो पिस्टन को प्रेस करोगे, तो पिस्टन प्रेस करने से क्या है ऑयल जो वापस आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए ताकि जो पहले का ऑयल ऊपर है, तो इतना छोड़ देना आपको, हाफ भरना है, ठीक है, फुल नहीं करना है इसको। तो ये हो गया यहाँ पे, तो कैप क्लीन करके फिर आपको आगे दिखाते हैं। कैप वगैरह क्लीन करके वापस इसको टाइट कर दिया, ठीक है, हल्का हल्का यहाँ पे हैंडल को थोड़ा टेढ़ा करके टाइट कर लें हाथ से ही, और फिर हैंडल को घुमा करके फिर रैचेट से टाइट करेंगे इसको, ठीक है। और ये फ्रंट ब्रेक का काम जो है अपना ब्लीडिंग हो गया कम्प्लीट। अब करते हैं पीछे वाला, पीछे का वो भी सेम सिस्टम है, ब्लेड स्क्रू खोलते हैं, यहाँ पे इसका 8 mm का है, ये खोलते हैं इसका ऑयल रिजर्वायर,
रिजर्वायर से पूरा गंदा तेल निकालते हैं यहाँ तक, फिर नया ऑयल भरते हैं और रिसर्कुलेट करते हैं। फ्रंट का हो गया, ठीक है, फ्रंट का देख लिया आपने। अभी रियर का, रियर का भी भाई क्या पता नहीं, यामा समझ में नहीं आता अभी कैप कैसे खोलूँ। ठीक है, ये कैप खोलने के लिए यहाँ खोलना पड़ेगा। V3 में क्या था, यहाँ पे एक लॉक था कि भाई यहाँ बोल्ट खोला, ये लॉक निकला, ये ढक्कन खुल गया, यहीं से बाहर निकालने की जरूरत नहीं था। इनका तो हर बार कुछ डिज़ाइन बदली करते हैं, कुछ ना कुछ तो उनका यामा का चलते रहता है। अभी ये पूरा बोल्ट खोलो, ये कंटेनर को बाहर निकालो, हाथ पर रखो, इसको पकड़ के रखो, ढक्कन खोलो, ये तो बहुत झमेला हो गया। ठीक है, तो अभी करते हैं यहाँ पे 8 mm का, कहाँ गया यार, ये रिंग पाना हो गया 8 का, इससे इसको लूज़ करेंगे कैलिपर, ये हो गया लूज़, लगाते हैं वाला पाइप। ठीक है, पाइप लगा के फिर कंटेनर में डालते हैं पुराना ऑयल और यहाँ से ड्रेन करते हैं। यार रियर वाली ऑयल का कैप खोला, गुड कंडीशन देख लो भाई, कैसा येलो हो चुका है एकदम डार्क। ठीक है, ऑयल ट्रांसपेरेंट होता है पूरा, देखो भाई कैसा दिख रहा है, डार्क है भी पूरा। ये रीज़न से जो है मैंने ऑयल चेंज करने बोला था, ये नहीं कि भाई 2 साल बाद ऑयल चेंज करेंगे, जो यामा ने बोला वही करेंगे। ऑयल चेंज कर लो कि अच्छा रहेगा, कि भाई अंदर जितना गंदगी छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं भाई, ये मास्टर सिलेंडर जो है यूज़ करते तो घिसता है वाला, तो घिसने से क्या होता है, पार्टिकल्स निकलते हैं, रबर के निकलते हैं भाई, एलमोनियम के निकलते हैं, वो आपको नेकेड आई से नहीं दिखेगा। ठीक है, तो वही ये अंदर सर्कुलेट होता रहता है मोटर पे, अंदर PVS का मोटर से घूम के आता, फिर पिस्टन के ऑयल सीले सब ख़राब इसलिए होती है, जाम इसलिए होता है। ऑयल चेंज करते रहोगे भाई, लंबी लाइफ रहेगी, ये रीज़न से बोल रहा हूँ। मास्टर सिलेंडर का लाइफ भी ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ऑयल नया डालेंगे, फ्रेश रहेगा, उस पर कोई पार्टिकल्स नहीं रहते। पिस्टन है, पिस्टन की ऑयल सील जो है यहाँ पे लगा हुआ कैलिपर का, उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, जो 2 साल चलने की वो 3-4 साल चल जाएगी। तो ज़्यादा बात ना करते हुए अब भाई इसका पाइप लगाते हैं, ये इस पर जो ब्लीडिंग स्क्रू खोलते हैं पाइप लगा के, फिर ये रखते हैं बीकर को। ठीक है, तो ये करके दिखाते हैं, क्योंकि दोनों हाथ की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये करके आपको यहाँ रख दिया बीकर नीचे, क्योंकि ये पाइप जो है बेंड होकर के अपने इसका जो टेंशन है, खुद का टेंशन लेकर के भाई ये जगह में गया है, तो यहीं से ऑयल जो नीचे गिरेगा बीकर पे। यहाँ लूज़ किया, देखो ऑयल का कलर देख लो भाई, डार्क एकदम। ठीक है, अंदर ऑयल लेकिन पूरा डार्क है, तो ये रीज़न से जो है ड्रेन करा रहा हूँ। तो यहाँ पर भी ऑयल जो है पूरा कम होने देते हैं, ठीक है, पूरा इसको, क्योंकि ऑयल का ये कंटेनर है, तो यहाँ से ऑयल यहाँ तक जाएगा, ये पाइप से यहाँ तक जाएगा, तो यहाँ से जैसे ख़त्म होते होते यहाँ तक आता है। ठीक है, एरिया तक जाएगा, फिर न्यू डालूंगा ऑयल, जो मोटुल का ऑयल है तब डालेंगे। थोड़ा सा इसको निकलने देते, ये ऑयल को पूरा यहाँ तक ख़त्म होने देते, ये पाइप तक जाएगा, ये एरिया तक, फिर यहाँ से डालेंगे, फिर वो सर्कुलेट होना चालू होगा। ठीक है, तो ये ऑयल को निकालते हैं, तो पहले जो ब्रेक है इसको पम्प करेंगे, ये देखो अपने ऑयल आएगा, ये देखो पम्प कर रहा हूँ, ऑयल आ रहा है, ये हमारा बीकर पे गिर रहा है। ठीक है, ये देखो नीचे, देख लो अंदर का ऑयल देखो कितना ब्लैक निकला है। ठीक है, ये देखो यहाँ ट्रांसपेरेंट भी नहीं है कि बोलोगे भाई कि नहीं ऑयल ठीक है, ये रीज़न से मैं बोला था कि ऑयल चेंज करो। ये देखो ये डब्बे के अंदर देखो भाई, ठीक है, ये देखो बॉक्स के अंदर देखो ऑयल कैसा गिर रहा है, अंदर कचड़ा भी निकल रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये देखो ऑयल कैसा रहता है और अंदर में क्या क्या पार्टिकल्स हैं, और खुद चेक कर लो भाई। ठीक है, सामने प्रूफ दे रहा हूँ, ऑयल क्यों चेंज करना है, ये रीज़न है। हो सकता है इस पर पानी भी जाए, यहाँ से पानी भी जाता हो, जब आप गाड़ी वॉश करते हैं यहाँ से हल्का एक दो ड्रॉप पानी जाता होगा, मॉइस्चर बनता होगा अंदर पे। ठीक है, तो ये रीज़न से बोलता हूँ कि ऑयल चेंज कर लो। यहाँ पंप कर रहा हूँ, ये देखो ऑयल खींच रहा है, यहाँ से ऑयल यहाँ गिर रहा है। ठीक है, ये देख लो ऐसे करके सारा ऑयल को जो ड्रेन कर लेंगे अंदर का। यहाँ पे कंटेनर का ऑयल जो है ख़त्म हो गया। ठीक है, ये ऑयल ख़त्म हो गया, अब ऑयल डालते हैं नया मोटल वाला ऑयल जो है। ऊपर तक फिल कर देते हैं, फिर सर्कुलेट तो करना ही है हमें। ठीक है, ये देखो ये डाला ट्रांसपेरेंट ऑयल कैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, यहाँ से जज कर लो कि ऐसा ऑयल होना चाहिए नया एकदम वाइट, और ये जो गिर रहा है तेल, पाइप का तेल देख लो, ये डब्बे का तेल देख लो। ठीक है, डब्बे का तेल देख लो और ये न्यू ऑयल देख लो, ये है रीज़न आपको तेल चेंज करने के लिए बोलता हूँ। ठीक है,
समझ गए होंगे आप जो बोलना चाह रहा हूँ। फिर से इसको ब्रेक पंप करके सारा तेल को है निकालना है बाहर। जब तक यहाँ से साफ तेल आना चालू नहीं हो जाता ये पाइप से, तब तक की ऑयल डाल के सर्कुलेट करते रहेंगे। तो यहाँ चेक कर लो, फाइनली भाई आ गया इस पे ऑयल ट्रांसपेरेंट। ये देखो पाइप देख लो भाई, पूरा वाइट ऑयल आ रहा है। दो तीन बार सर्कुलेट किया, ऑयल आना चालू हो गया। आपको दिखा देते हैं, ये देखो पाइप में देख लो ऑयल है ट्रांसपेरेंट पूरा। जो मोटर का तेल डाला वाइट वाले तेल, देखो वहाँ से आना चालू हो गया। तो इसका मतलब कि वहाँ से जो है अंदर लाइन क्लियर हो गई है। अभी जो है क्या करना है, सर्कुलेट करना है। ये पाइप है ड्रेन पाइप एयर वाला, वापस डाल दो इस कंटेनर पे और भाई इसको ऐसे करके ये देखो सर्कुलेट करते रहो। तो ये तरीका है करने का। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। ऑयल भी देखो अंदर वाइट है पूरा ट्रांसपेरेंट। और अभी जो है इसको यहाँ पे इसका बोल्ट टाइट कर देते हैं और पाइप में जितना तेल बचा है डाल देते हैं कंटेनर। तो यहाँ पे जो ऑयल देखो अपर एंड लोअर लेवल के बीच पे ट्रांसपेरेंट है। आप देखना भाई, एक चीज़ दिखाता हूँ। ये देखो ये ऑयल जो निकला अंदर से, ठीक है इसका कलर देखो, ये देखो डार्क और ये लाइट, ठीक है डार्क और ये लाइट, मालूम चल रहा ना दोनों में क्या अंतर है। ये रीज़न से बोलता हूँ कि ऑयल चेंज करो, ऑयल चेंज करो भाई। बाकी बहुत जन बोलते हैं क्या ऑयल चेंज करोगे, ये है वो है, क्या होता है ऑयल चेंज करने से। यही होता है कि आपकी लाइफ बढ़ जाएगी, ब्रेक की ब्रेकिंग की पावर इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, और आपका पिस्टन का ऑयल सील वगैरह वो लास्ट करेगा। ये देखो ये डार्क ऑयल जो अंदर से निकला और यहाँ जो डाला नया मोटुल का ऑयल, ठीक है ज़मीन आसमान का फ़र्क दिख रहा होगा आपको दोनों पे, ठीक है। अब ज़रा बात नहीं करेंगे, यहाँ पे इसका ऑयल ले जाते हैं अपर लेवल तक, थोड़ा सा डाल देते हैं भाई, कहाँ गया, थोड़ा सा डाल देते हैं अपर लेवल तक, ज़्यादा नहीं। ये आ गया ऊपर तक, ठीक है इसको क्लीन उन करके अच्छे से। इसका जो कैप है, कैप जो है रखा हुआ है, क्लीन कर रहे कपड़े से इसको लगा लेते हैं, क्योंकि यहाँ का जो है वो हो गया क्लीनिंग एंड टाइट कर दिया 8mm का बोल्ट। और ये ब्रेक ज़बरदस्त काम कर रहा है अपना, ये देखो ब्रेक की देखो रिवर्स भी अच्छा से आ रहा है ये, ठीक है ना। तो इसको लगा करके कंप्लीट करते हैं। तो गाइस फाइनली यहाँ पे रियर का ब्रेक वाल का काम भी हो गया, ब्रेक ज़बरदस्त होगी। ये देख लो यहाँ पे इसका ऑयल लेवल अपर से थोड़ा नीचे रखा हुआ है, ये देखो अपर से नीचे इसके लगा हुआ है, क्योंकि कल को जब ब्रेक पैड चेंज करेंगे तो आपको पिस्टन को प्रेस करना पड़ता है। पिस्टन प्रेस करेंगे तो बैक जो ऑयल है वो आएगा, तो आने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा जगह चाहिए, क्योंकि ऑयल जो है बैक आनी चाहिए। यहाँ पे ऑयल पूरा भर दूंगा ऊपर तक, तो वहाँ पिस्टन प्रेस ही नहीं होगा, अंदर ही नहीं जाएगा। तो ये याद रखना पूरा ऊपर तक कभी नहीं भरना, लेवल तक यहाँ पर लिखा हुआ है उससे थोड़ा सा नीचे एकदम थोड़ा सा, ताकि जितना पिस्टन दबेगा उतना ऑयल जो है बैक यहाँ आना चाहिए वापस रिजर्वायर पे। तो ये हो गया कंप्लीट आपका ब्रेक का काम। फ्रंट वाले देख लो, ये देखो एकदम टाइट हो गया ब्रेक, ये हो गया। यहाँ से देख लो भाई ग्लास से कॉइल दिख रहा होगा। तो ब्रेक का जो काम है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग इस सीरीज़ का 6th वीडियो यहाँ पे होता है कंप्लीट आपका, ठीक है। तो वीडियो करते हैं यहाँ पे क्लोज़।